मैं डॉक्टर रविंद्र सबनिस मुलजीभाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में चेयरमैन के तरीके काम करता हूँ। आज मैं आपको ESWL यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी ये जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो ट्रीटमेंट है एक अत्याधुनिक ट्रीटमेंट में से मानी जाती है जिसकी वजह से स्टोन का बिना टाके का इलाज होता है। ESWL यानी उसको ऐसे भी कहते हैं कि किरणों के द्वारा पथरी की इलाज करना। इसमें क्या होता है, एक नया मशीन आता है, अत्याधुनिक मशीन है, उसमें मरीज को सुलाते हैं और उसमें एक्सरे के द्वारा कहाँ पे पथरी है, किडनी के अंदर कहाँ पथरी है, उसको हम लोकलाइज करते हैं। एक बार ये किडनी लोकलाइज हो गया, पथरी लोकलाइज हो गई, फिर कंप्यूटर द्वारा सारा एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है और कंप्यूटर में से ही मशीन के अंदर से शॉकवेव लिथोट्रिप्सी के किरण निकलते हैं और वो सीधे किडनी के अंदर जाके स्टोन के ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन सारे बहुत सारे टुकड़ों में या पाउडर बनने में पाउडर बनता है। जैसे किडनी के स्टोन की पाउडर हो जाती है तो पेशाब द्वारा जैसे पेशेंट यूरिन पास करता है उसमें से वो सारा पाउडर, छोटी छोटी पथरियाँ, छोटे छोटे क्रिस्टल रचकण जो है वो सब निकल जाते हैं और पथरी का इलाज हो जाता है। अब इसमें ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो किरण जो है वो निकलते हैं और वो जो पथरी में जाते हैं वो रास्ते में जो चमड़ी आती है, चर्बी आती है, मसल आते हैं, किडनी का दूसरा भाग आता है, उसको कहीं पे भी कहीं से भी डैमेज नहीं होता है। ये जो ट्रीटमेंट है वो एकदम आधुनिक ट्रीटमेंट है और वो छोटी पथरी जो है जाने के 1 सेंटीमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सेंटीमीटर वाली पथरी है उसके लिए अत्यंत अच्छा इलाज माना जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि पथरी बहुत ही हार्ड है तो उसका किरणों के द्वारा हम कितना भी करें तो इलाज नहीं होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि पथरी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो पेशाब के नली के द्वारा जो निकलते हैं वहाँ कई बार फंस जाते हैं, तो उस हिसाब से हमको स्टेंट डालना पड़ता है और उसका अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है।